देखिए ये चार समीकरण है और चारों सरल गति के समीकरण हैं, ठीक है। ये चार के चार समीकरण दिए गए हैं और चारों सरल गति के समीकरण हैं, सरल आवर्ती गति के। इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा समीकरण गलत है, और वो भी किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से। बीमा का प्रयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण गलत है और कौन सा समीकरण सही है। तो अगर हम बीमा के नियम को उपयोग करें तो बीमा के अनुसार दोनों पक्षों की पहले तो बीमा बराबर होनी चाहिए, दोनों पक्षों की बीमा बराबर होनी चाहिए। तो वाई क्या है? दूरी है, इसकी बीमा भी एल होगी। ए क्या है? विस्थापन, जैसे कोई पिंड ऐसे गति करता हो, पेंडुलम अगर ऐसे, तो इसी कण के लिए समीकरण बनाया गया है। इसमें वाई क्या होता है? विस्थापन होता है, और ये क्या होता है? अधिकतम विस्थापन होता है। तो है तो दोनों दूरी ही, वाई भी दूरी है, ए भी दूरी है, तो दोनों का बीमा तो यल हो गया। लेकिन आपको बताया था जो शुद्ध अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, काट, इनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, तो इस पद का कोई बीमीय सूत्र नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो टू पाई तो बीमाहीन होगा ही, स्मॉल टी समय है इसकी बीमा टी होगी, और कैपिटल टी भी समय है इसकी बीमा भी टी होगी, तो टी से टी क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या दोनों पक्षों की बीमा बराबर है? दोनों पक्षों की बीमा बराबर आ रही है, इसलिए ये समीकरण क्या है? सत्य है, ठीक है। दूसरे समीकरण पे चलो, y विस्थापन के लिए बीमा L, त्वरण सॉरी विस्थापन A के लिए भी बीमा क्या लिखेंगे? L, और जो कोष्टक ये साइन के अंदर की क्वांटिटी, इसका कोई बीमा नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या इसका कोई बीमा है। तो पहला टर्म क्या है? वेग है B, और वेग का बीमीय सूत्र के लिए मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं, तो L बाई टी आ जाएगा, और गुणे टाइम है टी, इसका भी क्या लिखेंगे? टी। तो टी से टी तो कट गया, लेकिन अब देखो इधर केवल यल है, जबकि इधर यल इंटू यल यल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या दोनों साइड की बीमा बराबर है? तो इस प्रश्न में दोनों साइड की बीमा बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण सत्य नहीं है, ये गलत है। दूसरा ए क्या है? वाई विस्थापन के लिए एल, ए भी विस्थापन के लिए एल, टी टाइम है, टाइम का तो टी ही रखेगा, गुणे टी टाइम का ए विस्थापन का एल। तो यहाँ से अगर देखो तो यल से यल कट रहा है, टी से टी कट रहा है, तो एक साइड में बीमा मिल रही है एल, और एक साइड में कोई बीमा ही नहीं मिल रही है, सब नो डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसे में ये समीकरण भी क्या है? गलत है। तीसरा, ये विस्थापन यल है, ए विस्थापन है, इसके लिए भी यल लिखेंगे, स्क्वायर रूट का कोई बीमा नहीं, जो साइन के अंदर ये टू पाई टी लिखा है, इसमें टी की बीमा एल होगी, और सॉरी टी की बीमा टी होगी, और टी भी टाइम है, इसके लिए भी टी होगा, यहाँ भी टाइम का टी होगा, यहाँ भी टाइम का क्या होगा? टी। तो ये कट जाएंगे, क्या बच रहा है? सिर्फ यल और यल, दोनों साइड के बीमीय सूत्र क्या है? बराबर है, इसलिए ये समीकरण क्या है? सत्य है। तो हमें ये पहचानना था कि इनमें से कौन सा समीकरण सत्य है और कौन सा समीकरण असत्य है। तो बीमा का मैंने उपयोग किया, और बीमा के अनुसार हमने डिसाइड किया कि इसमें से पहला समीकरण सत्य है और ये चौथा समीकरण सत्य है, बाकी दो समीकरण क्या हैं? असत्य। ये NCERT का एक प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, वो भी बीमा की सहायता से। पद्धतियाँ तीन आपको हम बताएं मात्रकों की। एक MKS पद्धति है, इसके अनुसार दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड। दूसरा आपने पढ़ा है CGS। CGS पद्धति, C का मतलब सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और ये है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। और एक होता है FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति।
ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम इसे यूज नहीं करते। और एक आपका है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये चार पद्धतियां हैं। हम बीमा की सहायता से क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वही हमें सीखना है। देखो जैसे मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ, आप कार्य का मात्रक पढ़े हो, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। एक मात्रक जूल होता है और एक मात्रक अर्घ होता है। कार्य के दो मात्रक होते हैं ना, एक जूल होता है और एक अर्घ होता है। लेकिन जूल किस पद्धति में है, एम के एस, और अर्घ किस पद्धति में है, सी जी एस। दोनों में कोई संबंध होता है, एक जूल बराबर 10^7 अर्घ होता है, एक जूल बराबर 10^7 अर्घ। ऐसे बल का मात्रक आप पढ़े हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है। लेकिन सी जी एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। एक न्यूटन कितने डाइन का होता है, 10^5 डाइन का होता है। तो ये एम के एस पद्धति के हैं और ये सब किसके हैं, सी जी एस के हैं। हमें क्या करना है कि बीमा का उपयोग करके जूल को अर्घ में बदलना है, न्यूटन को डाइन में बदलना है। यही सीखना है कि कैसे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में हम बदलते हैं। इसके लिए हमें किसका उपयोग करना है, बीमा का उपयोग करना है। बीमा की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है भाई, ध्यान देना, कि बीमा पद्धति बदलने पर भी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। बीमा पद्धति बदलने पर भी नहीं बदलती है। एम के एस पद्धति में जो बीमा होगी वही सी जी एस में होगा और वही एफ पी एस में होगा। बात समझ में आ रही है, बदलता क्या है, केवल मात्रक बदलता है, केवल मात्रक बदलते हैं, केवल मात्रक बदलते हैं। पद्धति बदलने पर कभी भी बीमा नहीं बदलती, सिर्फ क्या बदलता है, मात्रक बदल जाएंगे। जैसे एम के एस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, तो वही चीज़ सी जी एस में क्या बन गया, ग्राम में चला जाएगा, लेकिन बीमा नहीं बदलेगी। अगर यहाँ एक घात है तो यहाँ भी एक ही घात रहेगा, और जो घातें होती हैं उनको हम बीमा कहते हैं, और ये बीमाएं कभी बदलती नहीं है, हर पद्धति में बीमा एक समान होती है। बात स्पष्ट है, तो कैसे रूपांतरित करेंगे हम ये समझते हैं। इसके लिए आपको एक संबंध बताया गया था कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है या आंकिक मान, ये आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रम में होता है। आंकिक मान सदैव मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रम। क्यों, मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, और अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। उदाहरण देके समझते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम का मान उतना ही होगा जितना 2000 ग्राम का है। क्यों भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही है, 2 किलोग्राम उतना ही मात्रा में है जितना 2000 ग्राम है। अंतर यह है कि 1 किलोग्राम में और 1 ग्राम में, पर मात्रा में कोई भेद नहीं है। अब आप देखो तो यहाँ पर आंकिक मान कितना है, 2, और मात्रक है 1 किलोग्राम। यहाँ आंकिक मान क्या हो गया, 2000, और यहाँ मात्रक क्या हो गया, ग्राम। तो जो किलोग्राम है ये बड़ा मात्रक है, किससे, ग्राम से। इसलिए जो 2 आंकिक मान है वो छोटा आया, किससे,
2000 से। तो मात्रक में और आंकिक मान में क्या संबंध है व्युत्क्रम का? ये मात्रक है और इन्हें क्या कहते हैं? आंकिक मान। तो आंकिक मान और मात्रक में कैसा संबंध है? व्युत्क्रम का संबंध है। मात्रक बड़ा, आंकिक मान छोटा, मात्रक छोटा, आंकिक मान। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, बहुत गर्मी हो रही है भाई। तो हम आंकिक मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में यन से दर्शाएंगे। और मात्रक को यूनिट कहते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इसको किससे दर्शाएंगे? यू से। तो हम कह सकते हैं कि जो यन का मान है वो व्युत्क्रम किसके है? यूनिट के। और जब भी ये अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो कोई नियतांक लगेगा ना, जब तक नियतांक लगाएंगे नहीं तब तक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा नहीं। और बटे में क्या है? यू। तो यन का यू के साथ क्या हो जाएगा? गुणा बराबर नियतांक। अगर ये नियतांक है तो इसका मतलब n इंटू यू का मान फर्स्ट पद्धति में जो हो गए वही मान सेकंड पद्धति में भी होगा, तभी तो स्थिरांक है। पहली पद्धति में आंकिक मान और मात्रक का जो गुणन है वही दूसरी पद्धति के क्या होगा? बराबर। जैसे यहाँ देखो 2 किलोग्राम है तो n और u का गुणा का मान उतना ही है जितना 2000 ग्राम का है। दोनों पद्धतियों के लिए n और u के गुणन का मान बराबर है कि नहीं है ना? बराबर। देखो ये उदाहरण से समझो, आप 2 किलोग्राम को चाहे 2000 ग्राम को, दोनों मान एक ही तो है। तो फिर n गुणे u का मान पहले पद्धति के लिए जो है वो n गुणे u का मान दूसरी पद्धति के लिए भी तो होगा, ये स्पष्ट है। अब पहली पद्धति के लिए आंकिक मान को हम n1 मानेंगे और मात्रक में हम मीटर को m1, लंबाई को l1, समय को t1 मानेंगे। और लंबाई, द्रव्यमान सब की अपनी अपनी बीमा भी होगी, तो मान लेते हैं बीमाएँ क्या है? ABC है। ऐसी दूसरी पद्धति के आंकिक मान को हमने क्या मान लिया? n2। इसके मात्रक में क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को m2, लंबाई को l2 और समय को t2 मानेंगे, मान लिया गया। घातें क्या अलग लिखी जाएंगी? नहीं, मैंने अभी बताया कि पद्धति बदलने पर भी बीमा नहीं बदलती, केवल बदलता क्या है? मात्रक। तो जो ये m1 l1 t1 था वो m2 l2 t2 हो गया, लेकिन जो घातें ABC है पहली पद्धति में वही घातें ABC दूसरी पद्धति में भी रहेंगे। बात स्पष्ट है? तो यहाँ से अगर हम n2 का मान निकालना चाहें तो इस पूरे का हमें भाग करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं n2 बराबर n1 गुणे m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c बटे m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। हमने इससे भाग कर दिया, गुणा था तो भाग हो गया। या n2 बराबर n1 इंटू, देखो दोनों राशियों की घातें समान हैं, जब घातें समान होती हैं तब हम इन्हें एक ही कोष्टक के अंदर लिखकर एक घात लगा सकते हैं। ऐसे l1 l2 की पावर भी तो b और b है, तो फिर हम l1 बटे l2 लिख कर के पावर क्या लगा सकते हैं? b। ऐसे t1 t2 के लिए भी तो लिख सकते हैं भाई, t1 t2 की पावर c। ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, ठीक है? अब एक उदाहरण देके सिखाते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, 4 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए, डाइन में परिवर्तित
कीजिए। ये प्रश्न है कि 4 न्यूटन को हमें किसे बदलना है, डाइन में बदलना। हम जानते हैं न्यूटन, डाइन का नाम सुन के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूटन किस पद्धति वाला है, एमकेएस पद्धति में मात्रक है, डाइन किस पद्धति में है, सीजीएस में है। तो पहली पद्धति हमारे पास है, एक तरफ है न्यूटन और दूसरी तरफ है डाइन। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम गुड़े मीटर गुड़े सेकंड की घात माइनस 2। ये न्यूटन का मूल मात्रक होता है, हमेशा मूल मात्रक लिखना पड़ेगा। जब मूल मात्रक लिखोगे तभी इसे कर पाओगे, ठीक है। डाइन किस पद्धति का है जी, सीजीएस का है। तो किलोग्राम की जगह क्या यूज़ किया जाएगा, ग्राम। मीटर की जगह क्या यूज किया जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड तो सर्वस्व ऐसे ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्या आपको ये जानकारी स्पष्ट है। अब यहाँ पर पहली पद्धति में देखो तो यमोन की जगह क्या दिख रहा है, किलोग्राम। यलवन की जगह क्या दिख रहा है, मीटर। T1 की जगह क्या दिख रहा है, सेकेंड। दूसरी पद्धति में आ जाएं तो M2 की जगह क्या दिख रहा है, ग्राम। L2 की जगह क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर। सेकेंड की जगह T2 की जगह क्या दिख रहा है भाई, सेकेंड। ये आपको M1 L1 T1 के मान मिल गए और ये M2 L2 T2 के मान मिल गए। अभी एक मान और जानना जरूरी है, वो क्या है, ABC। और ये ABC है क्या, ABC क्या है, बीमाएं हैं। और बीमा होती है मूल मात्रकों की घातें। और यहाँ पर मूल मात्रक किलोग्राम है, इसकी घात क्या है, 1। मीटर की घात क्या है, 1। सेकंड की घात क्या है। मैंने आपको कहा कि पद्धति बदलने से मात्रक नहीं बदलते, और सॉरी पद्धति बदलने से बीमा नहीं बदलती, यही तो आपने लिखा है, बीमा नहीं बदलती। चेक कर लेते हैं, ग्राम की पावर क्या है, 1। सेंटीमीटर की पावर क्या है, 1। सेकंड की पावर क्या है, -2। जो बीमा यहाँ है ठीक वही बीमा यहाँ भी तो दिख रही है। तो हमें ABC का मान क्या मिला, A का मान मिला 1, B का मान मिला 1 और C का मान मिला -2। क्या यहाँ तक बात स्पष्ट है। पहली पद्धति में कितने न्यूटन बल है, 4 न्यूटन। तो N1 का मान कितना है भाई, 4। बट दूसरी पद्धति में इस N2 का मान क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, और यही मुझे ज्ञात करना है, तब ये न्यूटन बदलेगा डाइन में। बात स्पष्ट है, कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखेंगे, N2 बराबर N1, N1 की जगह क्या लिखेंगे, 4, गुड़े M1, M1 की जगह क्या लिखोगे भाई, किलोग्राम, बटे M2, M2 की जगह क्या लिखेंगे, ग्राम, और की घात क्या लिखोगे, 1। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का मान 1, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर L1/L2, L1 की जगह क्या लिखने वाले हैं, मीटर। L2 की जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और की पावर क्या लिखोगे, 1, क्योंकि B का मान क्या है, 1। T1 की जगह क्या लिखोगे, सेकेंड। T2 की जगह क्या लिखोगे, सेकेंड। तो हो जाएगा सेकेंड बटे सेकेंड, सेकेंड बाई सेकेंड की घात -2। ऋण 2 लगाएंगे क्योंकि सी का मान ऋण 2। N2 बराबर 4, इस किलोग्राम को ग्राम से काट नहीं सकते, तो हम इस किलोग्राम को हटा के 1000 ग्राम तो लिख सकते हैं ना, और बटे ग्राम, गुड़े। मीटर को सेंटीमीटर से नहीं काट सकते, लेकिन मीटर को हटा के क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर,
और ये सेकंड सेकंड तो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा वन, तो सेंटीमीटर ग्राम भी कट गया। एन टू का मान क्या आया, चार गुड़े 1000 और गुड़े 100, तो एन टू का मान आ गया 4×10^5। तो हम अगर बोले डाइन में क्या मान है, तो जो मान आया वो आया 4×10^5 डाइन। तो इस तरीके से हमने 4 न्यूटन को 4×10^5 डाइन में बदल दिया, और ये हमने बीमा की सहायता से किया है। बात स्पष्ट है। प्रमाण के लिए क्या है कि क्या ये सत्य है, तो उसका प्रमाण देखो, 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10^5 डाइन होता है ना, तो फिर 4 न्यूटन में कितना डाइन, 4×10^5 डाइन होगा ना, वही तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये पद्धति क्या है, सही है। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला है बीमा की सहायता से राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, उसे सीखेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए फिर।